नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस रोजगार समाचार में। जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 544 पदों पर आई है, जिनमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 378 पद, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के 112 पद और जूनियर इंजीनियर सिविल के 54 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मार्च 2024 है। आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर जाना होगा। चलिए बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से, क्या आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, उनसे आवेदन शुल्क के रूप में 1416 रुपये लिए जाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार अपना संबंध SC ST और दिव्यांग वर्ग से रखते हैं, उन्हें इस आवेदन के लिए महज 885 रुपये ही देने होंगे। आइए अब जानते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की क्या शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए। तो इन पदों पर आवेदन के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा हासिल की हो। साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। वेतन आदि से संबंधित जानकारी आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो बता दें कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा को पास करेंगे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार अपना आवेदन कैसे करेंगे। लेकिन बता दें कि इस आवेदन से पहले जरूरी है कि आप सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको मिल सके। उसके बाद इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ आने के बाद PSPCL JEE रिक्रूटमेंट 2024 लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन को भरने की प्रक्रिया पूरी करें। मांगे जा रहे सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दें। फिर शुल्क का भुगतान कर अपने आवेदन को सबमिट कर दें। भविष्य के लिए आवेदन की एक छाया प्रति अपने पास जरूर रख लें। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।